फॉर्मेट बदलते ही बदला है ऋषभ पंत का ताबड़तोड़ पंत का अंदाज। सफेद जर्सी और लाल गेंद की क्रिकेट में पंत ने आते ही मचाया तहलका। एक तरफ जहां ढेर हो गया था टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, वहां पंत ने अपने आक्रामक अंदाज से बदल दिया है खेल का रुख। ताबड़तोड़ चौकों और छक्कों की बरसात से विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ने कराई है टीम इंडिया की शानदार वापसी। तो किस तरह ऋषभ ताबड़तोड़ पंत के विस्फोटक पारी से बदल गई है मुकाबले की तस्वीर, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से चटगांव में शुरू हो चुका है, जहां पहले दिन पर भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लेकिन पहले सत्र में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हुआ। राहुल और गिल की जोड़ी ने 41 रन जरूर जोड़े, लेकिन जैसे ही अपनी शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील करने की जरूरत थी, पहले गिल और इसके बाद राहुल दोनों ने खराब शॉट मारकर अपना विकेट बांग्लादेशियों को गिफ्ट कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब लेफ्ट आर्म स्पिनर तैजुल इस्लाम ने कोहली का विराट विकेट लेकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। एक सीधी गेंद पर कोहली चकमा खा गए और केवल एक रनों का योगदान देकर पवेलियन चलते बने, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने का भारतीय कप्तान का फैसला उन्हीं की टीम पर ही भारी पड़ गया। केवल 48 रनों के भीतर टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था और मेजबान मुकाबले में भारत को बैकफुट पर धकेल चुके थे। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री होती है टीम के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिन्हें इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर से पहले प्रमोट किया जाता है। भले ही हालिया समय में ओडीआई और टी20 में पंत का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन जैसे ही गेंद और जर्सी का रंग बदलता है, ऋषभ पंत भी एक बदले हुए प्लेयर नजर आते हैं और इस खिलाड़ी ने आते ही इसकी झलकियां भी दिखानी शुरू कर दी। विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज में आते ही गेंदबाजों पर कड़े प्रहार करना शुरू कर दिया और एक समय जो टीम इंडिया लड़खड़ा रही थी, पंत ने आते ही चौके छक्कों की बरसात करके दबाव दूसरी टीम पर डाल दिया और एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत टीम इंडिया के सबसे बड़े एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, आप ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को कैसे रेट करेंगे, हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।